हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुर्दे की पथरी का रामबाण इलाज है ये ड्रिंक। आइए जानते हैं इसके बारे में। मूत्राशय में अगर तेज दर्द हो तो ये पथरी के होने की निशानी हो सकती है। पथरी किसी भी इंसान को हो सकती है। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का दर्द बेहद ही असहनीय होता है, इसलिए हमें पथरी की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस बीमारी को अच्छी तरह से समझकर इसे दूर करने के उपाय करने चाहिए ताकि हम पथरी के भयानक दर्द से बच सके। गुर्दे की पथरी उस स्थिति को कहते हैं जब गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर बनकर जमा हो जाते हैं। गुर्दे की पथरी आमतौर पर 40 या 50 साल की आयु या उसके बाद पता लगनी शुरू होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कम आयु वाले लोगों को नहीं होती है। गुर्दे की पथरी कम आयु वाले बच्चों और युवाओं में भी देखने को मिलती है। हमारे मूत्र में मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण ही पथरी बनती है। इन तत्वों में मुख्यतः यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड शामिल है। औसतन 70-80% पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण ही होता है। ऐसा नहीं है कि गुर्दे में एक समय में एक ही पथरी होती है, बल्कि गुर्दे में एक समय में एक या अधिक पथरी हो सकती है। आमतौर पर ये पथरियाँ हमारे मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाती है, परंतु यदि ये पथरियाँ नॉर्मल से बड़ी हो यानी 2-3 mm की हो तो ये हमारे मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देती है। इस अवस्था में हमारे मूत्रांगों के आसपास असहनीय पीड़ा होती है जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। गुर्दे की पथरी का दर्द आमतौर पर काफी तेज और असहनीय होता है। पथरी जब अपने स्थान से नीचे की तरफ खिसकती है तब ये दर्द होता है। गुर्दे की पथरी गुर्दे से खिसक कर यूरेटर और यूरिन ब्लेडर में आती है। आपकी इस गुर्दे की पथरी की समस्या का आज मैं इस वीडियो में एक रामबाण इलाज लेकर आई हूँ जो आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस औषधि को बनाने में हम जिस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो सब आपको आसानी से अपने घर पर ही मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक संतरा, एक सेब, एक नींबू का रस, 4 टुकड़े तरबूज के और 4 बर्फ के टुकड़े। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। इस ड्रिंक को बनाना बेहद आसान है। आपको करना बस इतना है कि सबसे पहले आप संतरा व सेब को लेकर अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके बाद आप संतरे को छील लें और सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। दोस्तों, अब आपकी औषधि तैयार है आपके सेवन करने के लिए और आपकी पथरी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। आपको इस ड्रिंक का सेवन हर रोज करना है और कुछ दिनों के सेवन से ही आपके गुर्दे की पथरी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आप राहत की सांस ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।